congratulations, aapki nayi film aa rahi hai, you're doing debut. What was the experience? ये मूवी हमने कुछ 3 साल पहले शूट की थी. इसका प्रोसेस होने में अब इतना टाइम लग गया और उस टाइम पर ये मेरे लिए मेरा पहला प्रोजेक्ट था एंड खूब मेहनत की. वर्कशॉप्स हुए काफ़ी, हम पूरी टीम ने खूब सारी बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस की, हमने बहुत अच्छे से एक दूसरे को जाना एंड हमने इसका शूट लखनऊ में किया था तपती गर्मी में, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए, कम फॉर द बॉयज़ ज़्यादा, बिकॉज उन्होंने दे हैड टू प्ले फुटबॉल अल्टीमेटली. और आई डोंट थिंक मैं कभी भी इससे ज़्यादा ग्रेटफुल हो पाऊँगी, बिकॉज इस मूवी से, इस प्लेटफॉर्म से मैंने बहुत कुछ सीखा एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम वेयर आई एम टुडे. ओके, जब आपके पास कैरेक्टर आया तो व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन दैट टाइम? ऑनेस्टली ये जो स्टोरी है ये इतनी हार्ट टचिंग है. आई थिंक हम सब कहीं ना कहीं फेस करते हैं जहाँ पे आप कभी कभी आपको लगता है बिलोंग, जैसे मैं भी जब पहले पहले इंडस्ट्री में, टेलीविजन इंडस्ट्री में मैंने एंटर किया था, आई एम नॉट, बहुत अलग सा लगता है आपको, कोई जब नए नए आते हो कोई आपको वैसे देखता है, वैसे ट्रीट नहीं करता है. अब एक्सेप्टेंस मिला है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो जब ये स्टोरी मेरे पास आई थी आई इमीजिएटली कनेक्टेड टू इट और मैंने कहा रोल चाहे जो भी हो जैसा भी, आई वॉन्ट बिकम अ पार्ट ऑफ इट एंड आई एम वेरी हैप्पी. जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन दिखाया गया नॉर्थ ईस्ट को लेके, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के लोग डिस्क्रिमिनेशन? देखिए हम सब हैं तो एक ही इंडिया एंड मुझे बहुत बुरा लगता है कि यू नो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंडिया का हिस्सा नहीं माना जाता है, वहाँ के लोगों को ऐसा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. आई फील रियली बैड अबाउट इट एंड इसीलिए जब ये कॉन्सेप्ट सुना था मैंने और मुझे सुनने में, इवन लुकरम ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, तो जब वो सुना था तो गूज़बम्स आ गए थे सच में. एंड इट्स वेरी बैड, आई मीन हम एक हैं, इट्स इंडिया एक है, किसी को अलग ट्रीट करना बहुत गलत है. एंड इस मूवी से हम यही सबको बताना चाहते हैं कि वी आर वन कंट्री इंडिया एंड लेट्स नॉट डिस्क्रिमिनेट. ट्रेलर से कितनी सेटिस्फाई हुए, क्या आपको लगा है कि जैसे कि कम बजट ये फिल्म का है लेकिन ऐसा लग रहा है कि यशराज जैसी फिल्म है? एग्जैक्टली, मैं अगर इन ऑल ऑनेस्टी मुझे बिल्कुल, क्योंकि इतने साल हो चुके हैं ना, बिल्कुल नहीं पता था कि ट्रेलर कैसा होगा, बट अब जब देखा तो माय हार्ट वाज रेसिंग. ट्रेलर ब्रिलियंट लग रहा है और अगर ट्रेलर इतना अच्छा लग रहा है तो हम डेड शॉ की फिल्म इससे भी अच्छी होगी. जैसे कि आप टेलीविजन से तो उन लोगों को फिल्म आप दिखाने जाएगी तो अगर वो अपील कर रहे तो बहुत ही मतलब प्रमोशन वाइज. मेरे एक दो फ्रेंड्स आने वाले थे साथ, अभिषेक बजाज जिन्होंने अभी स्टूडेंट ऑफ द ईयर की है एंड मेरी एक और फ्रेंड है, दे वर गोइंग टू कम बट अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया, बट प्रीमियर पे मैं अपनी पूरी पलटन को लेकर आऊँगी. वील ऑल बी हर एंड दे प्रॉमिस मी दैट दे विल स्टैंड बाय माई साइड व्हेन द फिल्म फाइनली कम्स आउट. आप सब ने इतना प्यार दिया इतने साल, अब ये इतने साल बाद एक मेरी मुझे बस जज मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत साल पहले हुई थी एंड आई डोंट नो हाउ आई हैव डन, बट जितना प्यार आपने दिया है इतने सालों में आई होप कि आप यही प्यार इस मूवी को भी दें. बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छी फिल्म है, आई होप आप सबको पसंद आए. जो छोटी बजट की उसकी फिल्म होती थी जब आपने कहा कि पहले कर दिया था तो आपको ऐसा लगा था ये फिल्म आ पाएगी? यार 3 साल हो गए थे तो कहीं ना कहीं एक होप चली गई थी कि ये बाहर रिलीज़ हो भी पाएगी. बुरा भी लग रहा था बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है और स्टोरी बहुत अच्छी है, तो अब जब फाइनली रिलीज़ हो रही है तो आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई थिंक एक ऐसा मैसेज ऑडियंस को मिलना चाहिए. थैंक यू.